तो आज हम बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग छोटे मोटे चीज है, उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है सर। अब जैसे आपके सामने एक नंबर्स हैं, अगर मान लीजिए मैंने ऑल्ट इक्वल किया तो ये सम हो जाता है, लेकिन जनरली क्या लोग क्या करते हैं, इक्वल और यहाँ पे सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। जी सर, देखिए आप जो है यहाँ जो आप ऊपर में देखेंगे आपके सामने ये सम ऑफ का साइन है ना, इसका शॉर्टकट होता है अल्ट इक्वल। अल्ट इक्वल करते हैं ऑटोमेटिक फॉर्मेट लग जाता है, फॉर्मूला लग जाता है, इसी पे आप जो है सम एवरेज काउंट नंबर मैक्सिमम वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ डाउन की। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला मैंने यहां लगाया, हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी। तो कंट्रोल आर कंट्रोल डी क्या हुआ, ये आता है आपको डाउन में फिल राइट, जो चीजें सिलेक्टेड है पहली सेल की वो राइट में फिल हो जाएगी, और जो ऊपर टॉप में है वो डाउन में फिल हो जाएगी। ओके जी सर, ये हमारा ये होता अप और लेफ्ट के लिए जो है, अप और लेफ्ट के लिए यहां पे है, सॉरी शॉर्टकट नहीं है, यहां पे ऑप्शंस है इसको यूज कर सकते हैं। अब आता है यहां पे क्रॉस वर्कशीट। अब मेरे पास कई सारे सीट्स हैं, उन सारे शीट्स की जो हमारी है वो सब पे मुझे टाइप करना है, मान एक ही लोकेशन पे सबको टाइप करना है, तो मैं यहाँ कंट्रोल प्रेस करके या शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लूंगा। जी सर, कंट्रोल प्रेस करते हैं तो सिलेक्शन मेथड में आपको बताया था कि वन बाय वन क्लिक करके करना पड़ेगा, जी सर, और इसमें आपको एक साथ करना पड़ेगा। जब आप मल्टीपल शिफ्ट को सिलेक्ट को सीट को सिलेक्ट करते हैं तो यहां आप आएंगे कि आपका क्रॉस वर्कशीट हाइलाइटेड है, इससे पहले हाइलाइटेड नहीं था, अब क्या है हाइलाइटेड है। तो हाइलाइटेड है तो इसका यूज क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिखा टुडे, आज का डेट डाल दिया, तो ये चीजें हर सीट पे सेम सेम पोजीशन पे हर सीट पे हो, पहली चीज। दूसरी, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे सीट को सिलेक्ट करके नहीं ऐसे यहां पे टाइप कर दिया, पहले से टाइप कर दिया हुआ है, टाइम टाइप कर दिया, इसकी फॉर्मेटिंग भी हम यहां से कर देते हैं, फॉर्मेटिंग इसने यहां पे कर दी। ओके okay। जी सर, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि बाकी शिफ्ट पे करना है, तो शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में शिफ्ट पे सिलेक्ट करो और यहां अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करो। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अक्रॉस वर्कशीट पे आपके सामने तीन ऑप्शन है, ऑल मतलब जैसा है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है, कंटेन सिर्फ कंटेन को कॉपी पेस्ट करना है, या फॉर्मेट इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको पेस्ट करना है। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे आपका वही डेटा पेस्ट होगा, बाकी कोई डेटा पेस्ट नहीं होगा। ओके जी ये आपकी अक्रॉस वर्कशीट का। अब बात करते हैं सीरीज की, जैसे यहां पे वन लिखते हैं टू लिखते हैं, सिलेक्ट करते हैं ड्रैग करते हैं तो बाकी चीज आती है सर। जी तो यहां सीक्वेंस लिखने का एक और ऑप्शन आता है, सीक्वेंस लिखने का एक और ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां चले जाइए सीरीज में। सीरीज में ये आपका लीनियर है, मतलब बढ़ते क्रम में ग्रोथ करेंगे तो मल्टीप्लाई होता है। स्टेप वैल्यू, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में वन है, और स्टेप के कहां तक बनाना है, सिलेक्टेड को बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई नंबर यहाँ पर जो 10 तक ही बनाना है या 20 तक ही बनाना है तो नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 10 कर दिया तो सिक्वेंस 10 तक ही बनेगी। ओके जी सर,
अब इसी में अगर मैं यहां आता हूं सीरीज पे, मैं ग्रोथ पे आता हूं और इसको टू से कर देता हूं, ओके करता हूं, तो हर नंबर में टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई ग्रोथ था। इसका यूज हम लोग जनरली डेट के लिए करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फरवरी की डेट डाल दी, तो अब नीचे हम ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा डेट आता है सिक्वेंस। लेकिन मुझे यहाँ पे वीकेंड्स नहीं चाहिए, मुझे मंडे टू फ्राइडे का डेट चाहिए। तो यहाँ आपको सीरीज के अंदर में वीक डे का ऑप्शन है, ओके कीजिए। इसमें सैटरडे एंड संडे इंक्लूड नहीं होगा, मुझे सिर्फ मंथ मंथ को इंक्रीज करना है। तो सीरीज में आपके सामने मंथ है, सिर्फ मंथ इंक्रीज होगा, डेट आपका सेम रहेगा, मंथ और ईयर इंक्रीज होगा। ये आपका सीरीज का होता है। सीरीज के बाद अगला ऑप्शन आता है जस्टिफाई। अब मैं यहां पे कुछ बंदों के नाम लिखता हूं, अब मुझे इन दिस नेम को इन द वन सेल मुझे इस तरह से लिखना है, कंबाइन करना है। तो 2019 जो आया है और 21 एक्सेल आया है उसमें जरूरत नहीं है, आप इसको स्ट्रैक करके टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉनकेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई का यूज करते हैं। जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं, सारे जो है यहाँ पे देखिए कंबाइन हो गए, कंबाइन। तो जस्टिफाई से कंबाइन ही नहीं करता, एक्सट्रैक्ट भी करता है। कॉलम को बड़ा कर दोगे तो कंबाइन कर देगा, कॉलम छोटा होगा तो एक्सट्रैक्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए, ओके। जी सर, तो इस तरह से स्ट्रैक एंड जस्टिफाई हम कर सकते हैं। नंबर में पर सिर्फ टेक्स्ट, इसमें नंबर पे वर्क नहीं करता, सिर्फ टेक्स्ट पे वर्क करता है जस्टिफाई। अब आता है फ्लैश फी। फ्लैश फी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा डेटा बना लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नेम है और नेम पे है जैसे कि पूजा सिंह, मोहन राज वर्मा, कविता एस राज। मुझे इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और हो सकती है एक ये लिस्ट आपकी बहुत बड़ी है, हो सकती है लिस्ट आपकी बड़ी है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंगल सेल पे आप फर्स्ट नेम को लिखें और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करें। जैसे कंट्रोल के साथ एंटर आप प्रेस करेंगे, आप यहीं पे जो है फ्लैश फिल कर सकते हैं। फ्लैश फिल करते हैं, सारे फर्स्ट नेम यहां पे आ गया। लास्ट नेम के लिए मैंने यहां पे सिंह किया, सिलेक्ट करता हूं और यहां से मैं फ्लैश फिल लास्ट नेम आप क्या है। उसी तरह से यहाँ पर डेट है हमारे पास, सॉरी डेट नहीं, हाँ डेट है। मान लीजिए अब इस डेट में से मुझे मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे फैब लिखा, एंटर प्रेस किया और फिर इस पे हम कर देते हैं फ्लैश फिल, तो सिर्फ मंथ अलग कर देगा। उसी तरह से मेरे पास नंबर्स हैं और नंबर्स में डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स हैं, और मैं यहां 0.36 रखा और यहां से मैंने कर दिया फ्लैश। तो अब देखिए इसने 0 को अलग कर दिया, ये क्या था हमारा फ्लैश फिल का ऑप्शन था। ठीक है, तो फ्लैश फिल समझ में आ गया आपको। जी सर, फ्लैश फिल के बाद हम बात करते हैं क्लियर की। देखिए यहां हमारे पास है कि क्लियर ऑल करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हो गया। क्लियर जी सर, फॉर्मेट करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर होगा, क्लियर कंटेन करेंगे तो सिर्फ कंटेन क्लियर होगा, और क्लियर कमेंट्स करेंगे या हाइपरलिंक करेंगे तो क्लियर होगा। तो डिलीट करने से अच्छा है कि आप क्लियर कर दे, क्लियर से क्या होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके सर, जी सर, डाउट इसमें?
नहीं सर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो ये हमने आपके सामने ऑटोसम का एसटीओ का यूज किया, आपको समझ में आया।